जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। गुनाह मुझसे हुआ, उसका बदला हैदर से क्यों? मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। आप नीचे कैसे गिर गए? क्यों? आप उठिए प्लीज। अमी क्या हो गया? हाँ सब ठीक है? और दुआ क्या है? दुआ? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है अमी, हाथ पूरे ठंडे हो गया। देखिए आपको कमरे से निकलना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ अमी? हाँ अमी आपने कोई बुरा सपना देख लिया? खुदा खैर करे, इतने तमाशों के बाद भी दुआ कमरे से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब कि मेरी बेहोशी की दवा काम कर गई उसमें। बस इन लोगों को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो दवाई मैंने मिलाई थी। मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। खुदा खैर करे, क्या हो गया बाजी को? हाँ क्या हो गया बाजी को? या अल्लाह, या अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरी बाजी को? बाजी मेरी तरफ देखिए, बाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। हमें वो कमरे तक लेके चलो। हाँ 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 लेके चलते हैं इनको। आइए चलिए। तुम क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक है, अम्मी ठीक है। थैंक यू। आइए अम्मी आइए। आराम से। संभाल के बैठे नाम से।
है डोज कुछ ज्यादा ही डाल दिया मैंने। अब तो कल दोपहर तक भी इसकी नींद नहीं खुलेगी। खुदा खैर करे। दुआ दो उठो बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी का क्या हाल हुआ है। दुआ उठो बेटा, तुम सो रही हो अब तक? हाँ दुआ, अरे तुम ध्यान नहीं रख सकती थी क्या अम्मी का? उठो दुआ। गहरी नींद में सो गई है शायद दुआ। उठो दुआ। ये दुआ उठ क्यों नहीं रही है? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ नहीं, मैं देखती हूँ। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है दुआ की, उसे कुछ हुआ नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। और चार रातों की नींद पूरी कर रही है बच्ची, सोने देना उसे। और मैं भी अभी ठीक हूँ। थोड़ी ठंड लग रही थी इसीलिए सोचा कि बाहर जाके थोड़ा चल लूंगी बस। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, सोने दे मुझे। और तू भी जाकर सो जा, सो जाऊंगी मैं। आप ठीक हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। और अगर आपको ठंड लग रही थी अम्मी, तो आपने कहा क्यों नहीं? मुमताज को आवाज दे देती, मुझे आवाज दे देती या फोन कर देती। मैं कमरे में हीटर रख देता, गेस्ट रूम में इतने हीटर पड़े हुए, मैं जाके हीटर लेके आता। लेकिन गेस्ट रूम में तो गजल है। शुक्र है गजल का, उसने आपकी आवाज सुन ली और भागे चली आई आपके पास। अम्मी अपनी हालत देख रही हैं आप? वहां गिरी पड़ी थी। खुदा का शुक्र है कि गजल ने आपको संभाल लिया। संभाल तो ये लड़की लेगी अब इस घर को। बारूद सुलगा तो दिया मैंने, अब बस धमाके का इंतजार है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। अभी हमें अब जिद क्यों कर रही है? ठीक है थोड़ी देर बाद जाता हूँ मैं, अभी इधर सोफे पे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ बेटा, तुम भी जाकर अपनी नींद पूरी कर लो। आप मेरी बात सुनिए ना, मैं थोड़ी देर के लिए रह जाता हूँ इधर आपके पास। मैंने कहा ना जाकर सो जाओ बेटा। ठीक है। ब्रॉन की अम्मी अभी चलिए, इन्हें आराम की जरूरत है। बाजी अपना ध्यान रखेगा। हाँ जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, ये मेरा आपसे वादा है। और जैसे इमाम साहब ने कहा है ना, वैसे ही मैं और रूहान कल यतीम खाने में जाके किताबें और कंबल बांटेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।